देवेंद्र सर, आप सभी का स्टार कोच चैनल में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम जी। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है इंफरेटिव सेंटेंसेस, यानी आपका जो टॉपिक है आज्ञा सूचक वाक्य काज का ये टॉपिक है। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल एवं इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि इसमें इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जो कि आप या तो डेली यूज में लाते हैं या फिर आपको किसी के द्वारा रिप्लाई में आपको सुनने को मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। लेट स्टार्ट नाउ। तो देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। इंफेरेटिव सेंटेंसेस यानी आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो इसकी आगे देखिए, जैसे आपके सामने लिखा है, इंफेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें आपको किसी भी सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिया जाए या फिर आपको किसी में रिक्वेस्ट किया जाए तथा आपको सलाह या सजेशन आदि शब्दों का यूज किया जाता है, वो आपका इंफेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसे जरा याद रखिए। क्या क्या? आपको किसी सेंटेंस में ऑर्डर मिले, कोई रिक्वेस्ट करे, कोई आपको सजेशन करे या फिर आपको कोई एडवाइस करे आदि शब्दों का बोध हो, वे आपका इंफेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स, आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट देख लीजिए आगे क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में। देखिए, जैसे ऐसे वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, अतः वाक्यों की शुरू में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। दोस्तों, जितने भी ये सेंटेंस आते हैं इसमें आपका याद रखिए प्लीज, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि जितने भी सेंटेंस आते हैं इंफरेटिव में उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गई हो डेफिनेशन। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, रूल भी लिखाया जाएगा, एग्जांपल भी कराए जाएंगे और आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए भी दी जाएंगे। आप एक एक करके देख लीजिए जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे जी। तो चलिए इसके कुछ एक्सरसाइज के सामने आपके दिए गए हैं। जैसे आपको पहला लिखा है ऑर्डर वाला एग्जाम्पल, तो ऑर्डर में कैसे करते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है गिव मी अ बुक, यानी आपसे कोई क्या कर रहा है, ऑर्डर यानी आज्ञा दे रहा है कोई, यानी मुझे एक किताब दे दीजिए, ये क्या है आपका ऑर्डर हो जाएगा। अब जैसे लीजिए सेकंड वाला, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है रिक्वेस्ट, यानी आपसे कोई रिक्वेस्ट करे या निवेदन करे, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सेकेंड नंबर के लिखा है हेल्प मी प्लीज, यानी मेरी सहायता कीजिए प्लीज। अब इसी का एडवाइस का देख लीजिए, जैसे आपके थर्ड नंबर का दिया है एग्जांपल लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, यानी इसमें अब इसमें देखिए क्रिया क्या हो रही है, किसी से प्यार करने की कंडीशन को इसमें बताया गया है, तो इसमें क्रिया क्या है लव, और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है क्योंकि सेकंड फॉर्म तो ईडी वाला होता है, तो इसमें ये फर्स्ट फॉर्म दी गई है। तो आई होप आपको इतना तो आपको समझ में आ गया है कि ऐसे सेंटेंसों को आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत करते हैं। अब जहां भी आपको कभी भी आपको वर्ब से शुरुआत हो और सब्जेक्ट ना हो तो ये वाले सेंटेंस आपके क्या कहलाते हैं, इंफेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको एग्जांपल बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए सजेशन के एग्जांपल, जैसे आपको कोई सजेशन कर रहा है, जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी इसमें ऑलवेज द स्पीक ट्रूथ, यानी आप हमेशा सत्य बोलिए। अब इसमें देखो किसी ने किसी से कहा गया होगा, तो यू आपका क्या छिपा रहता है, यानी आपका सब्जेक्ट होने के बावजूद भी उसको क्या इग्नोर किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस आपके इंफरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप दोस्तों ये चारों एग्जांपल आपका डाउट सारे क्लियर कर दिए होंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे पहले इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए कैसे आता है। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है रूल्स फॉर मेकिंग सेंटेंस, यानी सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं उसका ये फॉर्मूला दिया है आपके सामने। जैसे देख लीजिए ये लिखा है, पहले देखो यहाँ पे ये लिखा है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यदि उसमें आपका सब्जेक्ट होगा, जनरली तो नहीं होता है, यदि फिर भी आपको कहीं मिल जाए तो ऐसे सेंटेंस को आप सबसे लास्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट।
चुका होगा। इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे यहाँ लिखा है इंफिनिटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण दिए गए यहाँ पर। तो चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको और डाउट क्लियर होने वाले हैं जी। तो चलिए एग्जांपल देख लीजिए। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला देख लीजिए, लिखा है अपने शिक्षक की आज्ञा मानो। अब इसमें दिख लीजिए इसमें क्रिया क्या हो रही है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट नहीं है, किसी न किसी पर्सन से कहा गया होगा कि आप अपने शिक्षक की आज्ञा मान लीजिए, ठीक है ना। आई होप आपको ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो किसी न किसी से कहा गया होगा, तो अब अपन इसमें देखिए क्रिया क्या हो रही है। क्रिया इसमें देखो किसी की आज्ञा मानने वाला इसमें कार्य हो रहा है। कार्य का क्रिया का मतलब क्या होता है, कोई एक्शन लेना यानी कोई क्रिया होना। तो इसमें देखो ये क्या दिया है, आपका कार्य होना यानी इसमें ओबे का हो रहा है। तो आज्ञा मानना या किसी की बात को फॉलो करना क्या कहलाता है, ओबे होता है। तो इसका सामने क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए ओबे, क्योंकि ओबे यानी होता है आज्ञा मानना या किसी का कहना मानना। तो देखिए ओबे आ जाएगा। अब इसके बाद देखो अपने शिक्षक की आज्ञा मानना, तो अपना देखो यू छुपा रहता तो यू का आ जाएगा योर, तो ओबे योर टीचर, बस हो गया है, क्रिया आ गई है इसमें। फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे लिखा है आपके सामने मेरी तरफ देखो। अब इसमें देखिए क्रिया क्या हो रही है, देखना, किसी ना किसी से कहा हो गया कि मेरी तरफ देख लीजिए। अब इसमें देख लीजिए इसमें लिखा है देखना, देखना का यानी होता है। अब इसमें आप तो एक दो, या तो आप लुक कर लीजिए या फिर सी होता है, अब दो में से कोई सा भी एक वर्ड लिख सकते क्योंकि दोनों का मतलब होता है देखना जनरली। ओके तो चलिए इसका क्या लिखेंगे, सी कर लेते यहाँ पर। जैसे सी या ऑब्लिक लुक एट मी, यानी लुक एट मी। ओके तीसरा देख लीजिए, जैसे लिखा है आपके सामने अपना होमवर्क करो। अब इसमें काम क्या हो रहा है, करने का, करना का यानी होता है डू यानी होता है। तो पहले डू, देखो अपना अपने के लिए मैं बता चुका हूं, योर आएगा, डू योर होमवर्क। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे अंदर आइए, तो अंदर आइए की क्या होता है, सबसे पहले देखो इसमें आना, आना का यानी होता है कम यानी होता है। तो कम इन, इन यानी क्या होता है, इन का यूज होता है जब आप किसी को भी अंदर आने की अनुमति देते हैं या अंदर की स्थिति में इनका यूज किया जाता है, तो इसलिए आ जाएगा इसमें कम इन। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट, जैसे बाहर जाइए। अब जाना तो आपको मालूम ही है, या तो आप गो कर दीजिए या गेट कर दीजिए, तो इसमें आ जाएगा गो आउट या फिर हो जाएगा गेट आउट, दोनों अपनी जगह सही है। तो इसका आ जाएगा गो आउट या गेट आउट। अब आप इसमें देख लीजिए गो यानी क्रिया होती है, ये फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, वृद्ध व्यक्ति की मदद करना। अब मदद करने का क्या होता है आपको मालूम है, हेल्प होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका क्या, हेल्प, किसकी मदद, बूढ़े व्यक्ति की यानी वृद्ध व्यक्ति की। इसमें आ जाएगा हेल्प द ओल्ड मैन। ओके नेक्स्ट देख लीजिए, बिल्कुल इजी है दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए तो आपको 100% ये बनने लगेगी। यदि आपको फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे मुझे पेन दीजिए। अब दीजिए यानी देना, तो इसमें आ जाएगा गिव। अब मुझे का आ जाएगा मी, आपको मालूम है, तो गिव मी आ पेन। ऐसे सेंटेंस आपने कई बार क्लास में ये किसी से सुने भी होंगे, तो गिव मी आ पेन। आई होप दोस्तों ये सारे एग्जांपल आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसी का जो नोट सेकंड दिया है इसे देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे नोट सेकंड दिया है आपके सामने। अब देखो अभी तक आपने सेंटेंस बिल्कुल इजी वाले देखे थे। अब जैसे आपने कभी कभी ऐसे भी देखे होंगे कि कृपया मुझे पेन दे दीजिए, कृपया दरवाजा खोलिए, यानी ऑलवेज प्लीज, यानी ऐसे वाले सेंटेंसों भी कुछ सेंटेंस आपकी शुरुआत होते हैं। तो उनको किस प्रकार से बनाना है मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जैसे आपके देखो चार वर्ड दिए गए हैं, जैसे आपका कृपया दिया है, आपका हमेशा दिया है, आपका कभी नहीं दिया है, आपका मत, ये आदि शब्द जब आपको किसी भी सेंटेंस में आपको, या तो आपको बीच में शब्द के बीच में यानी सेंटेंस के बीच में, या फिर आपको किसी भी शुरू में मिले, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जब आपको ये वाले शब्द आपको किसी भी वाक्य के बीचों बीच में या शुरू में मिले, तो इनकी शुरुआत आप शुरू में करेंगे,
यानी आप बिगनिंग में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। यानी ये वाले वर्ड जो आपके इंग्लिश के दिए गए हैं इनको आप शुरू में लिखेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे ही प्लीज के दो वर्ड होते हैं, या तो आप प्लीज कर दीजिए या फिर काइंडली कर दीजिए। ऐसे ही आपका देखो ऑलवेज के दो अर्थ होते हैं, या तो आप हमेशा लिख दीजिए या फिर सदैव लिख दीजिए, दोनों सही हैं अपनी जगह। अब देखो नहीं नेवर का होता है कभी नहीं, और देखो डोंट का होते हैं दो अर्थ, या तो नहीं या फिर मत, यानी इन दो में से कोई सा भी एक मिलेगा तो आप डोंट कर देंगे होगा। नेक्स्ट देख लीजिए एग्जांपल के साथ, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है प्लीज गिव मी योर फोन। ओके देखो इसमें प्लीज पहले आ गया, तो यही बताना था मुझे। अब देख लीजिए ऑलवेज, इसमें देखिए ऑलवेज पहले है ना, तो बस ये वर्ड आपको शुरू में ऐड करना है जब आप सेंटेंस में ये सारे अर्थ मिले। ओके जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी सदैव सत्य बोलो। अब देखो यहाँ पे लिखा है नेवर नेवरली, यानी झूठ मत बोलो कभी भी। अब आज कहते हैं डोंट सिट हेयर, यानी यहाँ पर मत बैठो, है ना, यहाँ सिट यानी बैठना, देयर यानी वहाँ पर, और डोंट यानी मत, ठीक है, तो वहाँ पर मत बैठो। अब इसके कुछ हिंदी दी गए, उनके एक्सरसाइज कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए इसके एक्सरसाइज देख लीजिए। तो देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो उन्हें सॉल्व करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कृपया निर्देश पढ़ें। अब आपको देखो मैं बता चुका हूँ यहाँ पर क्या मिल गया आपको, देखो कृपया मिल गया। कृपया को मैं अभी अभी बता चुका हूँ क्या होता है जी, प्लीज। तो आई होप ये आपको याद होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले देखिए प्लीज का लिख देंगे, यानी पहले आ जाएगा प्लीज, फिर इसमें क्रिया क्या हो रही है पढ़ने का, तो पढ़ने का प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है निर्देश, ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट देख लीजिएगा, जैसे कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब इसमें देखो रखना हो रही है क्रिया और कृपया दिया है, तो ये हो जाएगा प्लीज। तो इसमें देखिए मैं बना रहा हूँ, आप देख लीजिए, जैसे प्लीज, अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखना, ध्यान रखना का आपको मालूम है क्या होता है टेक केयर, तो प्लीज टेक केयर योर हेल्थ, यानी अपना स्वास्थ्य, तो योर हेल्थ। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे आपके सामने लिखा है जोर से मत बोलो। अब मत का तो मैं बता चुका हूँ क्या होता है, आपके सामने लिखा है डोंट, तो इसमें पहले आ जाएगा डोंट और फिर इसमें क्रिया क्या हो रही है बोलने की, तो बोलने का आपको मालूम है स्पीक होता है, चलिए बनाते हैं। तो इसमें आ जाएगा पहले क्या, डोंट स्पीक, जोरों का क्या होता है लाउड होता है, तो डोंट स्पीक लाउडली। ओके नेक्स्ट देख लीजिए, अब आपका लिखा है अपना समय बर्बाद मत करो। अब इसमें भी आपका देख लीजिए क्या आ गया, मत आ गया, मत का क्या होता है डोंट होता है, तो चलिए इसको बनाइए। पहले आ जाएगा डोंट, अब देखो बर्बाद करना, देखो जब भी आपका समय बर्बाद के लिए होता है तो इसमें क्या होता है वेस्ट योर टाइम, आपने सुना होगा जनरली ये, तो इसमें आ जाएगा डोंट वेस्ट योर टाइम। योर कहाँ से आया, क्योंकि इसमें अपना दिया है और समय का होता है टाइम। आई होप ये डियर फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो चुका हो। चलिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट देखते जाइए, जैसे आपके सामने लिखा है कभी दूसरों की आलोचना ना करें। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कभी, कभी का तो नेवर होता है, तो इसका लिखेंगे पहले नेवर, अब इसमें क्रिया क्या हो रही है किसी की बेइज्जती करना या आलोचना करना, एक ही बात है, तो इसमें आ जाएगा देखिए क्या आ जाएगा, आलोचना करने का होता है क्रिटिसाइज। अब देखो दूसरों की अदर होता है, आपको पता है, जाकर इसमें आ जाएगा क्या, देखो नेवर क्रिटिसाइज अदर्स, या अदर्स भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका लिखो लिखा है सामने कभी झूठ मत बोलो, तो इसमें भी आपको क्या आ गया, कभी, कभी का नेवर, तो इसमें आ जाएगा पहले क्या, देखो नेवर क्रिया हो रही है बोलने की, तो नेवर स्पीक क्या झूठ को होता है ली। आई होप डियर फ्रेंड्स ये भी आपको क्लियर होगा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, देख लीजिए जैसे आपके सामने लिखा है हमेशा अच्छा देखो, तो अब देखो हमेशा को तो आपको मालूम है क्या होता है ऑलवेज होता है, तो इसमें आ जाएगा पहले क्या, ऑलवेज देखना को होता है क्या सी, तो ऑलवेज सी गुड, ये हो गया गुड यानी अच्छा होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना, कहना मानना को मैं बता चुका हूँ क्या होता है
ओवे होता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले करेंगे, देखो हमेशा को क्या होता है, ऑलवेज, तो इसमें आ जाएगा पहले ऑलवेज, क्रिया क्या हो रही है, किसी का कहना मानना, तो ओवे योर पेरेंट्स, तो इसमें आ जाएगा ऑलवेज ओवे योर पेरेंट्स। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे लिखा है आपके सामने यहां पर हस्ताक्षर करें, अब यहां पर है क्या है, हस्ताक्षर करें। अब इसमें देख लीजिए, ना ही इसमें आपको प्लीज है, ना ही नेवर आएगा, ना ही इसमें देखो कृपया दिया है, ना मत दिया है, ना ही आपको कहीं भी दिया है, तो बिल्कुल ये सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा इसमें। अब देखो क्रिया आना सीधी, क्रिया क्या हो रही है इसमें, हस्ताक्षर करना, तो हस्ताक्षर को तो आपको क्या होता है, साइन, जैसे आपने सुना होगा सिग्नेचर, तो वो क्या है, सिग्नेचर करना होता है उस पर, यहां पर क्रिया है तो इसमें आ जाएगा साइन, तो इसमें आ जाएगा पहले क्या, साइन, और यहां पर तो यहां का क्या होता है, हेयर, तो साइन हेयर। ओके दोस्तों, तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपकी इंग्लिश का नॉलेज इम्प्रूव जरूर हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।